जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सीजीएल के एक और पोस्ट एएसओ इन सीएसएस, मतलब कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज। तो आज हम इसी पोस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या एग्जाम होती है, क्या क्राइटेरिया होती है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, पावर्स क्या होती है, आपके पास यूनिफॉर्म होता है कि नहीं होता है, डेस्क जॉब है कि फील्ड जॉब है, सैलरी कितनी मिलती है, मतलब प्रॉपर वे में इस वीडियो में पूरा एनालाइज करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के खत्म होते होते मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको इसके अलावा और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा इस पोस्ट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एएसओ एंड सीएसएस को हम सारे पॉइंट्स थ्रू डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्स में, एग्जाम, पावर, एलिजिबिलिटी, वर्क प्रोफाइल, ट्रेनिंग और सैलरी। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोग बता दूं कि एएसओ एंड सीएसएस होता क्या है। तो अगर आपने मुझे पिछले कुछ वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि एएसओ होता क्या है। एएसओ मतलब बेसिकली किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप एएसओ के तौर पर जाते हो तो असिस्टेंट के तौर पर आप जाते हो। एएसओ का मतलब होता है असिस्टेंट, ठीक है। आप किसी भी असिस्टेंट के तौर पर आप वहाँ पर ज्वाइन करते हो, अपने हाई ऑफिसर मतलब जो आपसे ऊपर पोस्ट पर तो उनके असिस्ट करते हैं बेसिकली। तो अब सीएसएस क्या होता है? सीएसएस मतलब वो लोग जो मिनिस्ट्रीज में काम करते हैं, मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। बेसिकली होता क्या सीएसएस, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ पॉइंट्स के थ्रू, मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ कि सीएसएस होता क्या है। ये एक नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट है, मतलब इसमें आपको कोई यूनिफॉर्म नहीं दिया जाएगा, कोई भी आपको बस सिविल ड्रेस में इसमें आपको काम करना होगा, किसी भी यूनिफॉर्म की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ये एक डेस्क जॉब होता है इसलिए इसमें आपको यूनिफॉर्म प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ये ग्रेड बी की जॉब है। आपको अगर नहीं पता कि मिनिस्ट्री के सारे पोस्ट जो भी ऑफिशियल्स मिनिस्ट्री में काम करते हैं वो सारे के सारे पोस्ट ग्रेड बी के अंदर ही आते हैं। ये एक नॉन गेजेटेड पोस्ट है और इसके अलावा इसकी ज़्यादातर पोस्टिंग मिनिस्ट्रीज में ही होती है, मतलब जहाँ भी मिनिस्ट्री होती है वहाँ भी आपकी पोस्टिंग होती है। मिनिस्ट्री बेसिकली दिल्ली में ही, आपका लाइफ टाइम सेटलमेंट आपको दिल्ली में ही मिल जाता है। अगर आपका होम टाउन दिल्ली में है और आप चाहते हैं कि आप दिल्ली में हमेशा रहें तो इस पोस्ट को जरूर जाइएगा, क्योंकि ज़्यादातर पोस्टिंग दिल्ली में ही रहती है। और आखिरी पॉइंट ये है कि इसका जो ग्रेड पे है वो 4600 का ग्रेड पे, तो अच्छा खासा आपको सैलरी मिल जाता है अलाउंसेस को जोड़ने के बाद। तो सबसे पहले हम बात करें एग्ज़ाम के बारे में कि कौन से एग्ज़ाम के थ्रू आप इस पोस्ट पे पहुंच सकते हो। तो इस पोस्ट पे पहुंचने के लिए आपको एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम को क्रैक करना पड़ता है, जो एसएससी हर साल कंडक्ट कराती है। इसका फॉर्म जो हर साल ऑनलाइन निकलता है, इसलिए आप ऑफलाइन फॉर्म नहीं भर सकते, ऑफलाइन का कोई भी फॉर्म नहीं आता है, ऑनलाइन फॉर्म ही मिलता है। तो एसएससी इस एग्ज़ाम को टोटल चार टायर में कंडक्ट कराती है, टायर 1, टायर 2, टायर 3 और टायर 4। टायर 4 के बारे में थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करिए, क्योंकि टायर 1, 2, 3 सबके लिए नॉर्मल होता है सारे पोस्ट के लिए, लेकिन टायर 4 इसके लिए थोड़ा सा अलग होता है, उसके बाद डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। टायर 4 में आप लोग का बेसिकली कंप्यूटर का टेस्ट होता है, आप लोग का टाइपिंग टेस्ट होता है, मतलब आपको 2000 की डिप्रेशन करने होते हैं 15 मिनट में, यानी कि 27 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। ये हो गया टाइपिंग टेस्ट। इसके अलावा आप लोग का स्प्रेडशीट का भी टेस्ट होता है। स्प्रेडशीट काफ़ी नॉर्मल होता है, काफ़ी मिनिमम होता है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा आप लोग से स्लाइड्स भी बनवाया जाता है पावर प्लांट 2007 में, ये जानने के लिए कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है कि नहीं। बेसिकली आपको टेस्ट किया जाता है कि आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है या नहीं, क्योंकि ये फील्ड जॉब नहीं है, डेस्क जॉब है। तो डेस्क जॉब में ज़्यादातर यही काम होता है, आपको स्प्रेडशीट बनाना होगा, फाइल्स को मैनेज करना होगा, नोटिंग करना होगा, ड्राफ्टिंग करना होगा, तो ये सारे काम कंप्यूटर से किए जाते हैं, इसलिए आपको चेक किया जाता है कि आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है क्या या नहीं। और एक और बात, ये टायर 4 क्वालिफाइंग नेचर का होता है, अगर मान लीजिए आप इसमें फेल हो जाते हो तो फिर भी आप बाकी सारे एसएससी के पोस्ट के लिए एलिजिबल रहोगे। अब बात करते हैं एएसओ एंड सीएसएस बनने का क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी आएगा मिनिस्ट्रीज में काम करने का कोई भी काम मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है भाई। एएसओ एंड सीएसएस होने के लिए आपके पास कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो बाकी सीजे के सारे पोस्ट रिक्वायरमेंट की तरह इसमें भी आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। फिर आपने बीए कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो या बीएससी कर रखा हो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बीटेक भी कर रखा हो तो भी आपसे भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एज की बात की जाए तो 30 ईयर से कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज का रिलैक्सेशन भी मिलता है कोटा के अकॉर्डिंग, अगर कास्ट आपका ओबीसी एससी या एसटी में लाइक करता है तो आपको एज का रिलैक्सेशन भी मिलता है आपके अकॉर्डिंग टू कोटा, अकॉर्डिंग टू कास्ट। इसमें कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं होता है, मतलब आपको ना साइकिल चलाना है, ना दौड़ना है, ना भागना है, कुछ नहीं करना है। इसलिए इस फॉर्म को ज़्यादातर लड़कियाँ भरती हैं, लड़कियाँ इस फॉर्म को ज़्यादा प्रीफर करती हैं क्योंकि इसमें कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता है। इसके अलावा अगर कोई कलर ब्लाइंड है या किसी को आंखों में दिक्कत है, आंखों में कोई प्रॉब्लम है, तो भी इस फॉर्म को भर सकता है। मिनिस्ट्री की जितनी पोस्ट होते हैं उन सबका बेनिफिट यही है, कलर ब्लाइंड पीपल भी इसको फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं आती है। तो अब बात करते हैं ट्रेनिंग के बारे में, इसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, कैसी होती है, कितने टाइम के लिए होती है और आपको ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है। तो एएसओ एंड सीएसएस की ट्रेनिंग को असिस्टेंट डायरेक्ट रिक्रूट ट्रेनिंग कहा जाता है। पहले इसकी ट्रेनिंग 13 वीक्स की होती थी, लेकिन उसको घटा के 8 वीक्स तक का कर दिया गया है। तो इसकी ट्रेनिंग सेक्रेटरीट ट्रेनिंग मैनेजमेंट में होती है, जो कि इंस्टीट्यूट है दिल्ली के अंदर। अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, अगर बच्चे ज़्यादा हों उस साल, तो उसकी ट्रेनिंग कंट्री के अदर पार्ट्स में भी करवाई जाती है।
और इसकी ट्रेनिंग के दौरान गवर्नमेंट के फंक्शनिंग को अच्छे से समझाया जाता है। हर एक एक्सपर्ट को अच्छे से डिटेल में बताया जाता है गवर्नमेंट काम कैसे करती है और गवर्नमेंट क्या काम करती है। बेसिकली इसमें गवर्नमेंट के कुछ रूल्स दिखाए जाते हैं, जैसे कौन से पॉलिसीज़ कैसे बनती हैं वो बताया जाता है। RTI 500 को कैसे क्लेम है, कैसे रिफंड है, वो सब चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। अगर कोई कोर्ट केस है गवर्नमेंट का वो भी कैसे हैंडल करना है इसमें अच्छे से प्रॉपर में डिस्कस किया जाता है, अच्छे से बताया जाता है आपके। और RTI के बारे में अच्छे से डिस्कस किया जाता है, अच्छे से बताया जाता है इसकी ट्रेनिंग पीरियड में। और पार्लियामेंट्री क्वेश्चन के बारे में अच्छे से बताया जाता है। ये सारे प्रॉपर, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं जो आप लोग को ट्रेनिंग में ही समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे समझाना बहुत ही मुश्किल काम है। और इसमें आपका एक एक वीक का दो टूर भी कराया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। एक होता है विलेज अटैचमेंट, एक होता है स्टडी टूर। विलेज अटैचमेंट में बताया जाता है आपको जगह जगह के विलेज को दिखाया जाएगा, वहाँ पे आपको टूर कराया जाएगा, वहाँ पे बताया जाएगा आपसे, मतलब कि एक कंडक्ट कराया जाएगा कि वहाँ पे जाकर आपको कंडक्ट करना होगा जो जो स्कीम्स सरकार निकालती है विलेजेस के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, क्या वो स्कीम्स को अच्छे से वहाँ पे फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उन लोगों को स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये प्रॉपर आप लोग को वहाँ पे पूरा रिसर्च करना होगा और वहाँ का एनालाइज करना होगा सारे स्कीम्स के बारे में भी। और स्टडी टूर में आप लोग को इंडस्ट्रीज और NGO में भी लेके जाया जाता है, वहाँ के फंक्शनिंग और वहाँ के काम कैसे करती है सारे स्कीम्स को वहाँ पे आप लोग को दिखाया जाता है, वहाँ पे आप लोग को बताया जाता है पूरा स्टडी टूर के अंदर। और किसी को अगर दिल्ली में रहना है लाइफ टाइम के लिए, मतलब किसी का होम टाउन से घर दिल्ली में ही है और वो चाहता है कि मैं दिल्ली में ही रहूँ लाइफ टाइम, ये पोस्ट उसके लिए सबसे अच्छी है, क्योंकि इसकी सारी पोस्ट जो है मिनिस्ट्रीज में होती है, जैसे कि उद्योग भवन हो गया, निर्माण भवन हो गया, इनकी पोस्ट इन्हीं भवन में होती है, इन्हीं मिनिस्ट्रीज में होती है, तो लाइफ टाइम आपकी पोस्टिंग दिल्ली में ही रहती है। तो जिसको अगर दिल्ली में चाहिए पोस्टिंग और उनका होम टाउन दिल्ली में ही है तो इस पोस्ट के लिए जरूर जाए, इससे बेटर पोस्ट आपको कोई नहीं मिलेगा। बाकी सारे पोस्ट में आपके ट्रांसफर होते रहते हैं हर 3 से 4 साल में, लेकिन इसका ट्रांसफर नहीं होता है, आपको लाइफ टाइम तक दिल्ली में ही पोस्टिंग दिया जाता है। हाँ, लेकिन स्पेशल केसेस में भी पोस्टिंग होती है, लेकिन बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही स्पेशल केस में होता है वो। अब बात करते हैं वर्क प्रोफाइल के बारे में कि इसमें क्या काम दिया जाता है आपको, शुरू में क्या काम आप लोगों को करना पड़ता है। तो इसमें आपको बेसिकली नोटिंग और ड्राफ्टिंग और शीट मैनेजमेंट हो गया, बाकी डेस्क जॉब हो गया, पेपर्स का काम हो गया, इस सब में आपको यही काम होता है। बाकी मैं आप लोग कुछ पॉइंट बता रहा हूँ वो भी आपको काम करना पड़ता है, मतलब ऑफिस वर्क हो गया जो आपके ऑफिस में काम किया जाता है, ऑफिशियल वर्क हो गया वो काम होता है, रिप्लाई करना होता है आपको RTIs का, जो अभी RTI फाइल होता है इस डिपार्टमेंट में उसको रिप्लाई करना होता है, लेटर आपको टाइप करना पड़ता है, आपको जो लेटर्स आते हैं उन सबको रिप्लाई करना पड़ता है उस लेटर के लिए, उस लेटर का आपको जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जो मतलब जो पॉलिसी बनती है आपके डिपार्टमेंट आपके मिनिस्ट्री में, उसको उसमें आपको असेस करना पड़ता है और उसको चेक करना पड़ता है कि काम से अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। जो काम आप लोग को सीनियर ऑफिसर देते हैं उसको भी आप लोग अच्छे से करना होता है। और जो वर्कलोड है डिपेंड करता है आपके मिनिस्ट्री के ऊपर, आपके पोस्टिंग के ऊपर। जॉब टाइमिंग के बारे में बात करेंगे, जॉब टाइमिंग इसका 9 to 5 होता है, तो आप चाहे तो आराम से आप आगे के प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि इसमें सैलरी कितनी है। सबसे बड़ी बात है कि सबका क्वेश्चन यही होता है कि इसमें सैलरी कितनी है, क्या आपको पैसा मिलता है। तो 4600 ग्रेड पे की सैलरी होती है। 4600 ग्रेड पे क्या होता है, मैंने बहुत सारे वीडियो बताया हुआ है कि इसमें कितनी सैलरी आपको मिलती है, फिर भी मैं आपको एक मोटा मोटा हिसाब दे रहा हूँ। 4600 ग्रेड पे की सैलरी में 44,900 का बेस सैलरी होता है। इसके अलावा भी आप लोग को बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, HRA, TA, DA, आप लोग बहुत सारे अलाउंसेस गवर्नमेंट के द्वारा मिलते हैं। इसमें शुरू में आप लोग को 10,000 तक का HRA भी दिया जाता है दिल्ली में रहने के लिए, क्योंकि दिल्ली बहुत ही एक्सपेंसिव शहर है, तो आप लोग को ऑलमोस्ट 10,000 तक का HRA दिया जाता है, तो रहने की दिक्कत तो आपको कहीं से नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं पर्क्स और कॉन्स के बारे में कि इस जॉब में आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं, क्या नुकसान देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पर्क्स के बारे में, क्योंकि इसमें कॉन्स बहुत ही ना के बराबर है, बहुत ही कम है। तो पर्क्स के बारे में बात करेंगे, हाई पेइंग जॉब है इसमें, फास्ट जॉइनिंग होती है, लगभग 2 से 4 महीने आपकी जॉइनिंग हो जाती है, लाइफ टाइम दिल्ली में सेटलमेंट आप लोगों को मिलता है, अगर कोई दिल्ली में रहता है और उसका होम टाउन दिल्ली में ही है उसके लिए बेस्ट है, सोशल रिस्पेक्ट है जॉब में, वर्क लाइफ बैलेंस है, 9 to 5 जॉब होती है तो वर्क लाइफ बैलेंस आपका हो जाता है आराम से, गुड वर्किंग स्पेस यानी कि आप लोग को अच्छा खासा जहाँ पे आप लोग काम करते हो वहाँ पे अच्छा खासा आपको वर्किंग स्पेस देखने मिल जाता है, AC मिल जाती है आपको, वेल फर्निश्ड फर्नीचर मिल जाता है, तो ऐसा होता है बहुत सारे डिपार्टमेंट में ऐसा आपको देखने नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग को अच्छा खासा वर्किंग स्पेस देखने मिलता है। फिक्स टाइम जॉब है लेकिन डिपेंड करता है मिनिस्ट्रीज के ऊपर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट मिनिस्ट्रीज में फिक्स टाइम जॉब होता है। कैन प्रिपेयर फॉर UPSC, मतलब फिक्स टाइम जॉब है, 9 to 5 जॉब है, तो ऑब्वियसली आप UPSC के लिए या फिर अपने हायर स्टडीज़ के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैन लिव अ गुड लाइफ, अगर अच्छी भाई ऑब्वियसली बात है,
एक गवर्नमेंट जॉब हो ना, अच्छे से अपने अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। कलर ब्लाइंड कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस जॉब। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया मैंने पहले बता दिया था कि उसको कलर ब्लाइंड पीपल भी आराम से कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट जॉब है क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे ट्रांसफर से बच जाते हैं, क्योंकि गर्ल्स का क्या होता है कि बहुत सारे ट्रांसफर उसको अगर देखने को मिलते हैं अपने जॉब करियर में, तो बहुत उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस वाले पोस्ट में, इस वाले जॉब में आप लोगों को ट्रांसफर बहुत ही मिनिमम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। करप्शन फ्री जॉब है भाई, ऑब्वियसली बात है, अगर मिनिस्ट्री से आप जॉब काम करते हो तो इसमें करप्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन लेने वाले कहीं भी ले सकते हैं, कोई उसमें तो कोई रोक ही नहीं पाएगा उन लोगों को। पीस ऑफ माइंड, अब ऑब्वियसली बात है, इसमें जॉब करना मतलब बहुत ही शांति से आप जॉब कर सकते हो, आपको दिमाग में बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता है। अब बात करते हैं कॉन्स के बारे में, किस डिपार्टमेंट में क्या कॉन्स होते हैं आप लोगों को जाने से। तो कॉन्स इसे बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, अगर किसी को अगर पावर चाहिए तो इस जॉब में आपको पावर उतना नहीं मिलता है, इसलिए मैंने इस वाली वीडियो में पावर को डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि इसे पावर ना के बराबर होता है। और इस जॉब का जो दूसरा कॉन्स है, जो मुझे लगता है ऐसे जो मुझे लगता है कि इसमें वर्कलोड काफ़ी बढ़ जाता है, जब आप पे कोई कोर्ट केस होता है, मतलब आपके मिनिस्ट्रीज पे, आपके डिपार्टमेंट पे कोई कोर्ट केस होता है तो वर्कलोड काफ़ी बढ़ जाता है। बस ये दो कॉन्स मुझे लगते हैं जो जॉब प्रोफाइल में है, बाकी इसके अलावा और कोई कॉन्स नहीं है। बाकी सारे आप पर्क्स ज़्यादातर आपको पर्क्स देखने को मिलेंगे, पर्क्स कॉन्स नहीं। तो यार बस यही था आज का वीडियो, होप आप लोग को वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, अपने उन एस्पिरेंट दोस्तों के साथ जो लोग SSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि कौन सी पोस्ट उनके लिए सूटेबल रहेगी अपने जॉब प्रोफाइल के लिए, जॉब करियर के लिए। अगर कोई मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना चाहता है तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकता है, ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, जाओ जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर दो या मुझे इंस्टा पे मैसेज करो, दोनों जगह रिप्लाई करूंगा आप लोगों को। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।